बी के नायक जी, मैं अवनीश बाबू से आग्रह करूंगा मंगलाचरण हो जाए। लाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ नासाग्रे वर मौक्तिकं करतले वीडु कड़े कंकण सर्वांगे हरिचंदनम सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपस्ते परिवेष्ट तुर्विजयते गोपाल चूड़ामणि। अब मैं डॉक्टर साहब से आग्रह कर रहा हूँ कि आप हरा जी का माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर बी के नायक जी, जोरदार ताली बजाकर हम सभी भी अभिवादन हरा जी का। अब मैं श्री हरेश राय जी, आपसे भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप भी माला पहना करके महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अंजनी सिंह जी, दे रहा हूं आपको मंच आप ही। श्री हरेश राय जी, आप भी महाराज जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। डॉक्टर बी के नायक जी के तरफ से 501 रुपया प्रदान हुआ है, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अब श्री अंजनी सिंह जी महाराज जी के स्वागत में दो शब्द कहेंगे। श्री संजनी सिंह जी, सबसे पहले गुरु जी आपको प्रणाम, चरण मन प्रणाम। सोचता हूँ हर बात आपको पेश करूँ, सोचता हूँ हर बात आप करो और दिल में उठते हुए जज्बात आपको पेश करो और आप हमारे लिए देवता हैं, इससे बड़ी क्या बात आपको पेश करो। मेरी तमन्ना है कि आप हनुमान जयंती में मेरे घर पे मुझे ज्ञान देने आए हैं, इससे बड़ा क्या सौभाग्य मेरे लिए होगा। इसलिए आपको देवता की उपाधि मैंने दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद आप सबको दिल से इतना दे के जाएंगे कि जिंदगी भर हम वो याद रख, अगले बार फिर आप ही को बुलाएंगे और फिर आगे सारे कार्यक्रम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ श्री मैं श्री राधेश्याम जी सिंह जी, जो प्रशांत स्वीट हाउस के प्रोप्राइटर हैं, आपसे भी आग्रह है कि महाराज जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री राधेश्याम सिंह जी प्रोप्राइटर, श्री प्रशांत स्वीट हाउस फाजिलनगर, श्री राधेश्याम सिंह जी। अब मैं ओम मेडिकल एजेंसी के प्रोप्राइटर डॉक्टर सुचिंद्र सिंह से आग्रह कर रहा हूं कि आप ही आकर के महाराज जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर सुचिंद्र सिंह जी, श्री राधेश्याम सिंह जी के तरफ से 101 रुपया प्रदान हुआ, मैं समिति के तरफ से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। श्री राधेश्याम सिंह जी अवध मेडिकल एजेंसी फाजिलनगर, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप भी महाराज जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय श्री राधेश्याम सिंह जी, श्री वैद्यनाथ मिश्री जी जो राजा बिशुनपुर से चल करके पधारे हैं, आप भी एक सेवानिवृत्त अध्यापक हैं बैरकपुर, 501 रुपया ओम मेडिकल एजेंसी फाजिलनगर के प्रोप्राइटर डॉक्टर सुचिंद्र सिंह जी के तरफ से, मैं समिति के तरफ से आपका हृदय से आभार प्रकट कर रहा हूँ। आदरणीय श्री वैद्यनाथ मिश्र जी जो हमारे चाचा हैं, आपसे भी निवेदन है, आप बंगाल राज्य में आपने शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की है, आज महाराज जी का कथा श्रवण करने के लिए पधारे हैं, थोड़ा शरीर से अस्वस्थ चल रहे हैं, तभी इनकी उत्कंठा है कि मैं भी महाराज जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त करूं। श्री वैद्यनाथ मिश्र जी, जोरदार ताली बजा करके, थोड़ा पैर में परेशानी है, दर्द है। कैलाश हॉस्पिटल 201 रुपया श्री वैद्यनाथ मिश्र जी के तरफ, कैलाश हॉस्पिटल के
डॉक्टर प्रिंस सिंह जी उपस्थित हैं। मैं आपसे भी आग्रह कर रहा हूं कि महाराज जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त कर लें। डॉक्टर प्रिंस सिंह जी, कैलाश हॉस्पिटल फाजिलनगर, जोरदार ताली बजा करके हम सभी अभिवादन करें। ₹501 डॉक्टर प्रिंस कुमार सिंह जी कैलाश हॉस्पिटल फाइनर के तरफ से प्राप्त हुआ। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। अब देखिए, ओम मेडिकल एजेंसी के प्रोप्राइटर डॉक्टर सुचिन सिंह जी के सुपुत्र जस कुमार सिंह जी महाराज जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि माला महाराज जी को पहना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जस कुमार सिंह जी, आपको जस प्राप्त होता रहे, ईश्वर से हमें प्रार्थना करते हैं। श्री हनुमान ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर गुप्ता जी, देखिए जस कुमार सिंह जी के तरफ से ₹101 प्रदान हुआ है। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। श्री हनुमान ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर गुप्ता जी आप भी उपस्थित हैं। मैं चाह रहा हूं आप ही देखिए, श्री रामचरितमानस का आपने पूजन किया, एक माला को प्राप्त करें, आपके द्वारा भी ₹101 प्रदान हुआ है। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। हाँ, श्री केदार यादव जी आप भी आकर के महाराज जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री केदार यादव जी रज पिपरा अभी एक दवा कंपनी के प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री मनपसंद मार्ट के प्रोप्राइटर श्री पप्पू तिवारी जी से आग्रह कर रहा हूँ, आप भी आकर के माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री केदार यादव के तरफ से ₹101 प्रदान हुआ। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। पप्पू तिवारी जी आप भी आकर के महाराज जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बाबूजी से भी मैं आग्रह कर रहा हूं कि अभी माला पहना करके हम सभी के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय श्री राधा कृष्ण पांडे जी, पूर्व प्रवक्ता, पावानगर महावीर इंटरमीडिएट कॉलेज फाजिलनगर, जोरदार ताली बजा करके महाराज जी का स्वागत करें। श्री मनोज मिश्रा जी जो आज पुरोहित का कार्य संपन्न किए, आपसे भी आग्रह है आप भी माला पहना करके महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। डॉक्टर राधे श्याम सिंह जी प्रोप्राइटर हैं अवध मेडिकल एजेंसी फाजिलनगर, आपसे भी निवेदन है कि आप भी महाराज जी का माला पहना करके हम सभी के लिए आशीर्वाद प्राप्त करें। जोरदार ताली बजा करके हम स्वागत करें। श्री ₹101 आपने श्री मनोज मिश्रा जी हम सभी के बड़े भाई, आप भी महाराज जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। जोरदार ताली बजा करके हम सभी स्वागत करें। आपके द्वारा भी ₹101 प्रदान हुआ है। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। श्री रामचंद्र सिंह जी जो पिता तुल्य हैं, आपसे भी मेरा आग्रह है कि आप भी पिछले साल भी आपने महाराज जी को माला पहना करके साल हम सभी के इस कार्यक्रम में रहा है। जोरदार ताली बजा करके हम स्वागत करें। देखिए श्री रामचंद्र जी आप भी अंग वस्त्र प्रदान कर करके महाराज जी का सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी बीच सेना से सेवानिवृत्त और आज भी वर्तमान में अपने पेशा जो अध्यापक का है से बच्चों का कल्याण करने वाले श्री राम अवतार सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ, आप भी और सेना से सेवानिवृत्त हैं, जोरदार ताली बजा करके हम स्वागत करें। श्री हरेश राय जी, हरेश ओझा जी, देखिए आपके द्वारा 201 रुपया प्रदान है। मैं समिति के तरफ से आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। श्री हरेश ओझा जी जो सूत्रधार हैं, आपके द्वारा भी महाराज जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त हुआ। 101 रुपया आपका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। श्री राजेंद्र लाल श्रीवास्तव जी भी अभी आइए और महाराज जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके द्वारा भी 101 रुपया प्रदान हुआ है। मैक्स अस्पताल हॉस्पिटल के गुप्ता आप भी महाराज जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आपका भी मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपके द्वारा 201 रुपया प्रदान हुआ है। पुनः यज्ञ समिति के आपका आभार। देखिए हमारे बड़े भाई प्रिय तरफ से श्री मुकेश लाल श्रीवास्तव जी आप भी महाराज जी को माला पहना करके स्वागत अभिवादन कर रहे हैं। मैं समिति के तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं। हमारे अग्रज मनोज मिश्रा जी की माता जी उपस्थित हैं। आप आज महाराज जी को आपके द्वारा 101 रुपया श्री श्रीवास्तव जी के द्वारा, अब मनोज मिश्रा जी की माता जी के द्वारा महाराज जी को श्री रामचरित मानस भेंट करें। जोरदार ताली बजा कर देखिए कितनी ममता मई आशीर्वाद भी प्राप्त कर रही हैं और हम सबों के लिए आशीर्वाद भी प्राप्त कर रही हैं और अपने लिए भी। ऐसे ममता मई माँ को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आपने श्री रामचरितमानस पूज्य पाद प्रातः स्मरणी गुरुदेव जी महाराज को प्रदान किया। आपके द्वारा 101 रुपया भी प्रदान हुआ है। पुनः हृदय से आभार। श्री अनुज राय जी आपसे भी आग्रह है कि आप भी आवें और महाराज जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री अनुज राय जी आप भी चिकित्सा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगे। श्री अनुज राय जी जोरदार ताली बजा करके हम सभी स्वागत करें श्री अनुज राय जी का। आपके द्वारा भी 101 रुपया प्रदान हुआ है। मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। अन्य जो भी महानुभाव चाहते हैं कि मैं भी महाराज जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त करूं, आप एक माला पहना करके, आप प्रोप्राइटर हैं इस खादी भंडार के आपको मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। श्री कन्हैया सिंह जी और श्री प्रकाश जो चिकित्सा में आप भी अपना जीवन अग्रसरित कर रहे हैं चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा करने का, आपके द्वारा भी 101 रुपया और श्री कन्हैया सिंह जी जो कन्हैया इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोप्राइटर हैं, आपने भी महाराज जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। आपके द्वारा भी 101 रुपया प्रदान हुआ है। मैं समिति के तरफ से आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विनोद खरवार आप भी आइए, आप भी मुख्य यजमान रहे, आपके द्वारा भी महाराज जी का माल्यार्पण हो। श्री विनोद खरवार जी आप भी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। श्री विनोद मिश्र जी देखिए पिता से कम पुत्र भी नहीं, पिताजी भी आए थे चाचा श्री बैद्यनाथ मिश्र जी, आप भी महाराज जी को माला पहना करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा करके हम सभी स्वागत करें। आपके द्वारा 101 रुपया प्रदान हुआ है। अब
श्री आमोद पांडे जी, जिन्होंने सभी का नाम, लगभग सभी लोगों का नाम इन्होंने लिया, लेकिन खुद अपना नाम नहीं लिए, इसलिए मैं उनका नाम बता रहा हूँ। श्रीमान आमोद पांडे जी प्राचार्य, आपके द्वारा अपने गुरुदेव को माल्यार्पण कर 101 रुपया जोरदार तालियों के साथ स्वागत, 201 रुपया। अब कुछ ही क्षणों में हम सभी को आशीर्वाद रूपी जो कथा श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं, कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त होगा। अब श्री बलराम पांडे जी आप भी आइए, महाराज जी को करके आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री बलिराम पांडे जी आप भी ग्राम सभा पटखौली से चल करके कथा श्रवण करने के लिए पधारे हुए हैं, मैं समिति की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आइए आप भी मात पहना करके आशीर्वाद प्राप्त करें, जोरदार ताली बजा करके। अब स्वागत, अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम, आप सभी श्री श्री 1008 श्री जयपुर गुरु आश्रम से चल करके पधारे हुए आदरणीय गुरुदेव जी महाराज के मुखारविंद से राम रूपी कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री सीताराम, धन्यवाद। श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितु वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम बंदी विदीह तनया पद पुंडरीकम कैशौर सौरभ समाहित योगी चित्तम हन्तुं त्रितापमनि शम मुनि हंस सेव्यम सम्मान शाली पर पीत पराग कुंजम मनोज मोहो मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथमोख्यं श्रीरामदूतम् शरणं प्रपद्ये राम कथा के रसिक वर भक्तराज मति धीर आयुष्वासन लीजिए तेज पुंज कपीर बंदौ तुलसी के चरण जिनकिन्हौ जग काज कलि समुद्र डूबत लखो प्रगट्यो शक्त जहाज श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में जो एक दिवसीय कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष संपन्न होता है, ऐसे हमारे सभी श्रद्धालु और जो आज के इस मानस मंच के मुख्य अतिथि के रूप में जिन्होंने मानस पूजन किया, आप सभी को इस मंच से साधुवाद धन्यवाद। हमारे संचालक माननीय श्री आमोद पांडे जी, आयोजक हमारे माननीय श्री डॉक्टर साहब नायर जी, हरीश ओझा, हरीश राय जी, या समिति के सभी गणमान्य बंधु, हमारे श्री वैजनाथ मिश्र जी, अब बहुतों का नाम तो मैं नहीं जानता, हमारे खादी आश्रम के जितने आप सभी लोग, और पडराना से पधारे हुए हमारे बबलू मिश्र, माननीय श्री पांडे जी, कृष्णा बाबू और श्री अवनीश मणि त्रिपाठी जी, आप लोगों के बीच यह कार्यक्रम बड़ा ही सुंदर सुखद क्षणों का याद दिलाता है। आइए सीता राम सीता राम सीता
राम सीता राम सीता राम सीता सीता राम सीता सीता राम 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 यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को छड़ में यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को छड़ में यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को छड़ में यह नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को छड़ में यही नाम अवलंब हुआ शेवरी को जंगल 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 में पहुंचाया प्रभु के धाम सीता राम 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 बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है सुग्रीव विभीषण को भी यह बूटी प्यारी है सुग्रीव विभीषण को यह बूटी प्यारी है प्रहलाद जपा करते थे निशिवा सरया को जाओ सीता राम सीता राम सीता सीता राम 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 ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उच्चरता है ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उच्चरता है ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उच्चरता है ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उच्चरता है शिव जी के मानस मंदिर में मोती दीपक सा जलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है नारद की वीणा पर भी बजता यह सुंदर नाम सीता राम 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 सीता राम
में टोना है क्या कहो अनाड़ी को दिन का क्या इसमें टोना है क्या कहो अनाड़ी को दिन का क्या इसमें टोना है क्या कहो अनाड़ी को दिन का क्या इसमें टोना है क्या बतलाऊं प्रेमी जल इससे क्या होना है क्या बतलाऊं प्रेमी जल इससे क्या होना है जब श्रद्धा से गाओगे बन जाएंगे बिगड़े काम सीता राम 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 बोली श्यावर रामचंद्र की जय हो वीर बजरंग बली की जय हो उमापति महादेव की जय हो पाणी विनायक की जय हो। आइए हनुमान जी की चर्चा की जाए। पिछले साल भी हनुमान जी का चर्चा किया गया था। प्रियात्मा बंधो उपकार प्रत्युपकार दो शब्द आया है। उपकार उपकार क्या है प्रति उपकार क्या है। एक बड़ी सुंदर चौपाई रामचरित में मानस में आया भगवान राम जी ने हनुमान जी के लिए कहा कि प्रति उपकार करऊ का तोरा प्रति उपकार सनमुख होइन सकत मन मोरा सनमुख होइन सकत मन मोरा। उपकार प्रति उपकार दो शब्द है। उपकार क्या चीज है। कोई अगर पानी में गिर रहा है उसको बचा लिया जाए। कोई कर्ज से डूब गया उसको उबार लिया जाए। कोई कुछ ही विपदा में पड़ा है उसको निकाल लिया जाए। कोई फटे वस्त्र में है उसको फटा वस्त्र की जगह अच्छा दे दिया जाए। इसका नाम उपकार है। आज का जो ये कार्य हो रहा है उपकार है। जगत का उपकार इसमें है। संपूर्ण ब्रह्मांड का उपकार है। यज्ञ करना उपकार है। हवन करना उपकार है। विचार करें लोगों को भोजन कराना उपकार है। भूखे दुखे को भोजन करा देना उपकार है। इसका नाम उपकार है। लेकिन प्रति उपकार क्या है उसकी चर्चा अभी बाद में करूंगा। पहले उपकार। तो राम जी विवश हो गए हनुमान जी के लिए और बोल पड़े प्रति उपकार करूं का तोरा। उपकार करके छोड़ दिया जाए अपेक्षा न किया जाए कि वो भी हमारे लिए करेंगे। यद्यपि व्यक्ति को चाहिए कि अगर उसने मेरा उपकार किया तो मैं उसके बदले उसका उपकार करूं। उसी का नाम प्रति उपकार है। शब्द को देखेंगे तो हनुमान जी ने राम जी के लिए उपकार क्या किया। हनुमान जी ने सबका उपकार किया। पहला उपकार किसका किया। पहला मानस में सबसे पहले उपकार शब्द कहां आया। गौर करें मानस का पाठ आप लोग हमेशा करते हैं लेकिन उपकार शब्द क्या आ गया। अरे तुम उपकार सुग्रीव उपकार सुग्रीव तुम उपकार सुग्रीव तुम उ
राम मिलाय राजपद दीनान, राम मिलाय राजपद दीनान। इसका नाम उपकार है। सुग्रीव जंगल जंगल भटकते थे अपने भाई बाल के डर से, लेकिन हनुमान जी ने भगवान राम को जा करके अपने कंधे पर बैठा कर सुग्रीव से मिलाकर अग्नि की साक्षी दिलवाकर बालिका वध करा के और सुग्रीव को राजा बना दिया। किस पर उपकार किया? सुग्रीव पर। हनुमान जी ने लिखा, अरे प्रति उपकार करो का तोरा, 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 सन्मुख होइ न सकत मन मोरा, सन्मुख होइ न सकत मन मोरा। जी विवश हैं, प्रति उपकार करो का तोरा ढूंढ रहे हैं कि हनुमान के उपकार को मैं कैसे वापस करूं। सुग्रीव या नहीं किए, गौर करिएगा। पहला उपकार सुग्रीव पर किए, अरे तुम उपकार सुग्रीव की ना, तुम उपकार सुग्रीव की ना, राम मिलाय राजपद दीना, राजपद दीना। पहला उपकार सुग्रीव पर किया, राम को मिलाकर राजा बनाया। अभी भड़भड़ाता सुना, हमारे बाबा जी के तरफ से 51 रुपया परमात्मा मंगल करे। उपकार पिता का उपकार हमारे ऊपर है, माँ का उपकार है, गुरुजनों का उपकार है, ये शरीर किसी का दान है, मेरे पिता का दिया हुआ दान है, मेरी माँ का दिया हुआ दान ये शरीर है। उपकार उन लोगों का करना पड़ेगा, उनने उपकार किया। पुत्र का धर्म है प्रति उपकार करना। गुरुओं ने पढ़ाया लिखाया, हम आगे बढ़े, उनका उपकार है, उसके बदले गुरुओं के प्रति सम्मान अदा करना, ये प्रति उपकार है। सुग्रीव को राजा बना दिया हनुमान जी महाराज ने, लेकिन प्रियात्मा बंधुओं, सुग्रीव ने प्रति उपकार करने की चेष्टा नहीं की, हनुमान जी को मंत्री का दर्जा दिया, सचिव का दर्जा दिया। तो उपकार शब्द पहला किसके लिए आया? सुग्रीव के लिए। गौर करेंगे, उपकार तब प्रति उपकार कर बोलूंगा। प्रियात्मा बंधुओं, अरे तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। वही हनुमान जी महाराज एक व्यक्ति को के ऊपर उपकार किया, सुग्रीव पर। लेकिन एक व्यक्ति और है तो उनको का दिए उपकार किया ना, उनको उपकार नहीं किया, का किया? उनको मंत्र दिया, मंत्र। उपकार किया सुग्रीव का, हम मंत्र दिया विभीषण को, अरे तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, अरे लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, और लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी को किस रूप में उन्होंने किया? हनुमान जी ने सुग्रीव को सचिव के रूप में, मंत्री के रूप में, इसलिए उपकार शब्द कहा गया। लेकिन विभीषण को गुरु के रूप में, मित्र के रूप में नहीं, गुरु। कान में मंत्र देता है तब शिष्य का उत्थान होता है, इसलिए विभीषण शरणागत हो गए हनुमान जी के सामने। तो हनुमान जी ने मंत्र दिया,
उपकार नहीं किया, मंत्र दिया। अरे तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण को मंत्र दिया, आज सुग्रीव को उपकार किया। यही दो शब्द चल रहा है, गौर करेंगे। गवास्कर बाबा गारमेंट्स फाजिल नगर 101 रुपया। परमात्मा परिवार में मंगल करें। बोलिए शिव रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। उपकार अप्रति उपकार और मंत्र, ये तीन शब्द को अपने दिमाग में रखिएगा। लेकिन ये सब मिला कैसे? ये सब भगवान शिव ने कहा, दो शब्द फिर आया। समय में एक शब्द है कुसमय, आ एक शब्द है सुसमय। अब कुसमय क्या है? अगर हम चाहें, आ चाहे हमारे बाबूजी चाहें, श्री राधा कृष्ण मास्टर साहब, चाहे उधर बैजनाथ जी बैठे हैं या हमारे डॉक्टर नायरे बैठे हैं, अयोब चाहे कि हमनी के धोबी जा पाठ मार दिखल जा, तो खुदे मरा जाए लोग मारी लोग का। क्यों? समय बीत गया है। गौर करें, उम्र हो गई 50 की, तो अब नौकरी क्या खाक लगेगा? जवानी में नहीं तूने किया शो के बिताया, तब 50 की अवस्था में नौकरी कौन लगेगी? समय, सारा प्रवास समय। हम आ रहे थे पंडित जी के साथ, धान का सारा फसल देख रहे थे, तो कई लोग चर्चा किए कि धान फूट नहीं रहा है, अभी उसी तरह है। तो बेचारा धान जवाने नहीं हुआ तो बाल का फूटेगा जी? जब उसमें पनिया नहीं मिला आषाढ़ और सावन में, आ धान जवाने नहीं हुआ तो उसमें बाल कैसे आएगी? गौर करिए, समय बाबा ने इस पर भी दिया, समय कुसमय। अब इतनी घड़ी बढ़ी आके का करी, धान बेचारा गड़बड़ है ना। अरे का भर खा बिन कृषि सुखाने, समय चूकी तूने का पछताने, समय को लेकर चलना है। अगर समय से आप पहले जगिए, समय के पहले काम करिए, तब आपका कार्य होगा। और समय बीत जाए तब आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरे भाई, यही मानस का उपदेश है। उसी कथा को सती को सुनना था तो क्या था? कुसमय था। और उसी कथा पार्वती को सुनाना था तो सुसमय था। देखा, सीताराम का, सीता जी का हरण हो गया, राम लक्ष्मण जी घूम रहे हैं और शंकर जी देख रहे हैं कि सामने से मेरे राम जी जा रहे हैं, लेकिन समय क्या था? कुसमय। इसी को तो मानस है कुसमय। इसलिए अरे भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, 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 अरे कुसमय जानी नकी निहारी, कुसमय जानी नकी निहारी। आज राम जी से मिलना कुसमय है, क्योंकि उनके धर्म पत्नी का हरण हो गया है, उनको खोज रहे हैं, रो रहे हैं, इसलिए शंकर जी राम जी के पास नहीं गए। क्यों? कुछ समय है। और करेंगे अथवा तब्बे लिखल बा, लेकिन शंकर जी रची महेश निज
अरे मानस राखा कहे नहीं रचना करके हृदय में रख लिए मानस माने हृदय रची महेश कथा कहां होगा जब लोग जीतेंगे तब ना होगा कुछ होगा तब ना होगा कोई अगुआ बनेगा तब ना होगा अगुआ बिना बिया हो ना होला मानस की रचना कर दिए परंतु चंदन बाबू के नाम पर 21 रुपया परमात्मा मंगल करें जय हो प्रिय आत्मा बंधु लेकिन कथा कब होगा आ तो जब पार्वती और शंकर जी का विवाह हो गया आज शंकर जी से दो पुत्र हो गए एक हो गए खड़ानन कार्तिकेय आ दूसरे हो गए गजानन आ दोनों लोगों का विवाह हो गया कार्तिकेय के धर्म पत्नी का नाम देवसेना है और गजानन के दो धर्म पत्नी है सिद्धि और बुद्धि है आ तब पार्वती जी छोपा खजाना कर बहुओं को दे दी आ तब भगवान शंकर के पास आई और बड़ा सुंदर उन्होंने शब्द शंकर जी से कहा विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे शंकर जी ने पूछा देवी क्या पूछना है आपको हाँ तो पूछना है आपसे कथा पूछना है कौन कथा अरे कथा जो सकल लोक हित कारी कथा जो सकल लोक हित कारी कथा जो सकल लोक हित कारी जो सकल लोक हित कारी सोई पूछ न चह शैल कुमारी सोई पूछ न चह शैल कुमारी जो सकल लोक हितकारी यक्ष राक्षस किन्नर नाग गंधर्व ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पेड़ पौधे पशु पक्षी पूरे ब्रह्मांड को जो अच्छा लगे वह कथा कही वह राम कथा है पार्वती जी ने कहा अरे कथा जो सकल लोक हितकारी 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 पूछन चह शैल कुमारी पूछन चह शैल कुमारी सकल लोक हितकारी कथा ये पर्वत राज की पुत्री पूछना चाह आपकी धर्मपत्नी नहीं ना पत्नी प्रश्न करेगी पति से ना तो गड़बड़ा जाएगा शैल कुमारी और गौर करें सुसमय आ गया तब अरे रचि महेशनी मानस राखा रचि महेशनी मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा पाई सुसमय शिवासन भाखा समय नहीं सुसमय लिखा कुसमय जानी नकी निचिन्हारी कुसमय था राम जी पर तो शंकर जी चिन्हारी नहीं किए पहली बात हाँ दूसरी बात गौर करेंगे आज सुसमय है पार्वती ने प्रश्न किया कथा जो सकल लोक हितकारी आ सोई पूछन चा सैल कुमारी है ना
इसलिए भगवान भोले बाबा समय आज सुसमय है, इसलिए बोल पड़े। अरे रच महेश निज मानस राखार, महेश निज मानस राखार, पाई सुसमय शिवासन भाखार, पाई सुसमय शिवासन भाखार। आज सुसमय है तो भगवान भोले बाबा ने पार्वती से कथा सुनाया, लेकिन वही राम जी हैं किष्किंधा गए उस समय भी कुसमय है। गौर करें, आ कुसमय में शंकर जी ने चिनारी नहीं किया, लेकिन कुसमय में हनुमान जी तट के पहुंच गए। देख रहे ना, गौर करिएगा, वही राम शंकर जी हैं, वही हनुमान जी हैं, शंकर जी ही हनुमान जी हैं, वहां चिन्हारी नहीं किए, आया राम जी कुसमय में है, डट के पहुंच गए और सुग्रीव को राजा बना दिए। इसलिए कहा गया, अरे तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, अरे तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, अरे राम मिलाय राजपद दीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। इसलिए प्रियात्मा बंधुओं, मानस की पहली शिक्षा क्या है? अगर व्यक्ति के पास सुसमय है, उसके यहाँ विवाह है, शादी है, मुंडन है, अनपराशन है, अच्छा कार है, तो भले मत जाइए, लेकिन उसके यहाँ अगर गम्मी है, कोई मर गया, कोई उसके ऊपर विपत्ति आ गई, अवश्य जाइए। कैसे? जैसे हनुमान जी पहुंच गए, देख रहे हैं ना, सुग्रीव पर भी विपत्ति है और भगवान राम की सीता का हरण है, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, दोनों को मिला दिया, इसलिए उपकार शब्द आया है ना। अरे तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तो पहला उपकार किस पर किए? अपने राजा सुग्रीव पर किए। देखा, हनुमान जी सचिव है, मंत्री का काम, अगर मंत्री बुद्धिमान है, ईमानदार है, अगर विद्वान है, तो राजा का गया हुआ राज्य भी वापस ले आ सकता है, नहीं अगर चापलूस है आजकल की तरह है ना, तो एक बेर बनिए करे बात फेर बहुर के मोर चोरी ओरी ना, आ चपलूसी में लोग बा, खाली चपलूसी में बा, ये जान लीजिए। इसलिए अगर मंत्री बनना है तो हनुमान जी जैसा, और राजा पर उपकार करके राजा बना दिया, और तब सेना को भेजा गया दक्षिण दिशा में सीता का पता लगाना है। राजा ने कहा, ईमानदारी के साथ राम के काज में लग जाओ, और सारे बानर भालू चल पड़े। हनुमान जी दूसरा काम क्या किए, सारे बानर भालुओं को जुटा दिया। और सुग्रीव जो है, जब राजा बन गए तो अपने घर में रोज उनके संगीते होता, रोज नाचे गाना होता है ना, आ बानर तो और यही में लिप्त रहे, बानरे के जाति हमरो को है ना, नाची हमनी के कम लागी का नहीं, मन बड़ा टापन लागी, लेकिन देखें सुग्रीव नाच गान में है, अंतर महल में है, राम की सुधि भूल गई कि राम जी ने बालिका वध किया, हमें सीता का पता लगाना है। जय जय सीता राम, माल मिला था तो क्या करें अब जी, भाई नेता लोगों के माल जब लगा था भेटाए तो जनता क्या करी। तो सुग्रीव एकदम मस्त, राम जी ने कहा ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया जी, एक मित्र भी बनाया तो इतना बड़ा ही निकल गया,
इसको हमने राजा बना दिया, आई का सीता का पता लगाएंगे तो घर में रोज नाच गान करता है। आ 6 महीना बीत गया कुछ नहीं आया। देखिए राम जी को थोड़ा क्रोध हुआ। जे सायक मारा मैं पाली, जिस बाण से बाली का वध कर दिया उसी बाण एक बाण में सुग्रीव का भी वध कर दूंगा। लेकिन सुग्रीव मित्र है, बीमारी ये है, मित्र के ऊपर आक्रमण पहले मत करो, समझाओ यह नियम सीखना है मानस से। देखिए जिस बाण से बाली को एक बाण से मार दिया सुग्रीव को भी मार दूंगा, लेकिन ऐसा करूंगा नहीं। जरा गौर करिएगा, समझाना जरूरी है। हनुमान जी को ज्ञान हो गया। हनुमान जी ने तारा से कहा आगे जाइए महारानी जी, सुग्रीव को लेकर जाइए। तारा को क्यों भेजा? इसलिए बालिका वध हो गया है, तारा राज रानी है, महिला है, महिला पर राम जी का बाण नहीं उठता है, लक्ष्मण जी महिलाओं को नहीं सताते हैं, इसलिए तारा को भेजा। आगे जाइए और सुग्रीव को पाछे पाछे रखते भाई, कहीं अगर ये फोर्ट पर मिल गई है तो काम गड़बड़ हो सकता है। देखिए इतने बड़े राजनीतिज्ञ हमारे हनुमान जी हैं, तारा को आगे सुग्रीव को पीछे बुलाए आ कहे आइएगा तो तुरंत पांव पखारने लगिए। अब मान ली लगता गोड़ धोआए तो कैसे उक्रोध पड़ जाए। सुग्रीव ने हनुमान जी ने आदेश दे दिया हनुमान जी को, देश देख के बानर राम जी के पास छूटने लगे। आ तब तक सुग्रीव पहुंच गए राम जी के पास, हाथ बांध के पैर पर गिर गए। मित्र जी अरे बताओ, 4 महीना पहले मैंने बालिका वध किया था, 4 महीने आषाढ़ में, आषाढ़ प्रपिता एकम को, आषाढ़ सावन भादो कुवार 4 महीना बीत गया। इस प्रवर्षण ऋष पर्वत पर 4 महीना प्रमाण राम जी कह रहे हैं, अरे वर्षा बीत गई, अरे बरसा बिगत रदरी तुआई, बरसा बिगत रदरी तुआई, बरसा बिगत सरदरी तुआई, बरसा बिगत रदरी तुआई, सुधी न तातसी कर पाई, सुनी पासर पाई, वर्षागत निर्मल ऋतु आई है, वर्षागत वर्षा बीत गया, निर्मल ऋतु आ गई और सीता का सुधी नहीं मिला। अरे बरसागत निर्मल ऋतु आई, बरसागत निर्मल ऋतु आई, अरे बरसागत निर्मल ऋतु आई, बरसागत निर्मल ऋतु आई, अरे सुदिनता तसीता कर पाई, सुदिनता तसीता कर पाई। 4 महीना सुग्रीव ने, सुग्रीव सुधी मोर बिसारी, राम जी कह रहे लक्ष्मण सुग्रीव ने मेरा हाल चाल लेना भी बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? राज मिल गया, खजाना मिल गया, पत्नी मिल गई, बानरों की फौज मिल गया, तख्त और ताज मिल गया, तो अब हमको कौन पूछता है? तरह यो लोग बाहर ज्यादा नहीं बोलेंगे आजकल के। भगवान राम ने कहा अतौले सुग्रीव आके हाथ बांध लिए, लक्ष्मण जी गए, राम जी कहे आओ आओ मित्र अल्लाह, अब सुग्रीव का सर नीचे है, अब ऊपर उठ ही नहीं रहा है। क्यों?
आ तो उपकार इन्होंने किया, राजा बना दिया, आ उस उपकार के बदले मुझे प्रति उपकार करना है, तब जाके बदला सधेगा। हाँ, हम घर में बैठे हैं। सुग्रीव से राम जी ने कहा, मित्र 4 महीना कहा जी, कहा क्यों ऐसा किया? कहा हमने नहीं किया, क्योंकि हम लोग बड़े चतुर हैं। सुग्रीव ने कहा हमने नहीं किया, कहा किसने किया? कहा आपने किया। हमने किया? हाँ। देखिए के आदमी लपेट के मारे ला, इरौरा सबे सुग्रीव से देखिए, कि हमने नहीं किया। कहा तो किसने किया? आपने किया। हमने किया? हाँ। क्या किया? आ तो बाल के मार कर उनको राजा बना दिए, उल्टा। कई वर्षों से मेरी पत्नी हमसे दूर थी, मेरा राज्य दूर था, बानर भालू दूर थे, हमारा राज का निवास दूर था, तो जब मिल गया ना तो हम उसी में डूब गए।